हेलो फ्रेंड वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल बायमेंट बाइट आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से किस प्रकार से नीट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस प्रकार से इसका पैटर्न रहता है स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रविन है फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाई आर एच बी टेकर इज नॉट बेस्ड ऑन यानी कि जो आर एच बी टेकर ने फाइव किंगडम सिस्टम क्लासीफिकेशन दिया था वो किस पर बेस्ड नहीं है तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो आर एच बी कर का जो फाइव किंगडम सिस्टम है वो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पर बेस्ड नहीं है बाकी ऑप्शन ए प्रेजेंस और एबसेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इस पर बेस्ड है ऑप्शन सी यहाँ पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इस पर बेस्ड है और ऑप्शन डी यहाँ पर कॉम्प्लेसिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इस पर भी वो बेस्ड है तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू है मैक्सिमम न्यूट्रेशन डाइवर्सिटी इज फाउंड इन दी ग्रुप यानी कि हमें मैक्सिमम जो न्यूट्रेशन डाइवर्सिटी है किस में देखने मिलती है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मोनेरा जो किंगडम है उसमें हमें मैक्सिमम न्यूट्रेशन डाइवर्सिटी देखने मिलती है तो सी इज दी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर थ्री यहां पर गिविन है इन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन क्लेमाइडोमोनास एंड क्रोलेरा हैव बीन इंक्लूडेड इन यानी कि जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें हम क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला जो एलगी है उसको हम किस किंगडम में रखेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रोटिस्टा उसको हम किस में रखेंगे प्रोटिस्टा में हम उसको रखेंगे प्रोटिस्टा में रखने का रीज़न क्या है जो क्लोमाइडोमोनास और क्लोरेला जो एलगी है ये दोनों यूनीसेलुलर यूक्योटिक कोशिका हैं यानी सेल्स से. हैं तो इसलिए इसको हम रखेंगे प्रोटिस्टा में ए इज़ दी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर यहां पर इस प्रकार से इन विच किंगडम वुड यू क्लासिफाई द आर्किया एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेज इफ द फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज यूज यानी कि जो आर्किया जो होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेज जो होते हैं उनको हम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन से किंगडम में रखेंगे तो आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं उनको कौन से किंगडम आते हैं मोनेरा में तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है क्वेश्चन नंबर फाइव इन फाइव किंगडम सिस्टम द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज यानी कि जो आर एच बी टेकर का फाइव किंगडम सिस्टम था था वो मेनली किस पर बेस्ड तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी मोड ऑफ न्यूट्रेशन यानी कि जो पोषण जो होता है उस पर ये मेनली बेस्ड था तो बी इज दी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स यहां पर इन फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बिच सिंगल किंगडम आउट ऑफ द फॉलोइंग कैन इंक्लूड ब्लू ग्रीन एलगी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड मैथनोजेनिक आर बैक्टीरिया यानी कि जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें हम ब्लू ग्रीन एलगी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड मैथोजेनिक जो आई आर बैक्टीरिया है उनको हम किस किंगडम में रखेंगे तो ये सारे के सारे आते हैं मोनेरा किंगडम में तो सी इज दी करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन यहाँ पर गिविन है बीजीए जिसको हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन एलगी आर इंक्लूडेड इन दीच ऑफ फॉलोइंग ग्रुप तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी जो, जो है, होता है ब्लू ग्रीन होता है जिसको हम साइन भी कहा बोलते हैं वो क्या होता है मोनेरा किंगडम में आती है और ये के सब सारे के सारे जितने भी मोनेरा किंगडम आते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं प्रिकोरियस सेल होती है तो बी इज दी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट एन इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन फॉर मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन इज यानी कि जो मॉडर्न डे जो आधुनिक समय का जो क्लासिफिकेशन है उसका इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण जो क्राइटेरिया है वो है, किस पर बेस्ड है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एनाटोमिकली एंड फिजियोलॉजिकली ट्रैक्ट तो बी इज दी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर नाइन यहाँ पर गिवी है कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकेंड को यहाँ पर मैच करना है और करेक्ट आंसर हमें यहाँ पर बताना है तो ए यहाँ पर है हेलोफाइल्स हेलोफाइल्स क्या होते हैं हेलोफाइल्स वो होते हैं जो साल्टी एरिया में पाए जाते हैं जो लमणे एरिया में पाए जाते हैं तो यहाँ पर यह मैच होगा फोर्थ वाले से यहाँ पर है थर्मो एसिडोफिल्स थर्मो एसिडोफिल्स जो होते हैं जो हमें गर्म पानी यानी कि हॉट स्प्रिंग में देखने मिलते हैं तो ये होगा फर्स्ट से मैच सी यहाँ पर है मेथेनोजेंस जिससे क्या है बायोगैस का प्रोडक्शन होता है जो कि हमें गर्ड्स ऑफ न्यूमिनेंट्स में देखने मिलता है तो ये क्या ये मैच होगा थर्ड वाले से डी यहाँ पर साइनो बैक्टीरिया जो कि क्या है? एक एक्वाटिक एक इन्वायरमेंट में मिलता है तो ये मैच होगा किससे सेकेंड वाले से तो इस बेस्ट पर तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा होगा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन है बिच ऑफ फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन यानी कि साल्टी एरिया में हमें देखने मिलता है तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो होगा ऑप्शन नंबर डी आर बैक्टीरिया आर बैक्टीरिया में जो हेलोफाइल्स जो होते हैं हमें कहाँ पर देखने मिलते हैं एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन में तो डी इज दी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है द फॉलोइंग आर द दस्ट लिविंग सेल्स नाउन विदाउट ए डेफिनाइट सेल वाल पैथोलोनिक टू प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन तो हमें वो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स पता नहीं है जिसमें जो कि डिफिनाइट सेल वाल एब्सेंट होती है पैथोजोनिक होती है प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स के लिए और बिना ऑक्सीजन के वो सर्वाइव कर जाती है तो वो क्या है ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर माइक्रो प्लाज्मा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व बिच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स प्रोवाइड स्टिकी करेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल की जो बैक्टीरियल सेल है उसके लिए जो स्टिकी करेक्टर है वो किसके द्वारा प्रोवाइड करते हैं तो सी इज दी करेक्ट आंसर इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी ग्लाइकोलिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टीन यहाँ पर डी एन रेप्लीकेशन इन बैक्टीरिया ऑकर्स यानी जो बैक्टीरिया जो होता है उसमें डी एन रेप्लीकेशन कब होता है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पीरियर टू फिजन यानी कि जो विखंडन से पहले होता है बी इज दी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है मैथेनोजेंस बिलोंग टू जो मैथेनोजेंस है वो किससे बिलोंग करते हैं तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आर की बैक्टीरिया में क्या आते हैं मैथेनोजेंस आते हैं तो बी इज दी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन यहाँ पर दी प्रमेटिव प्रिकोरियट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग डंग्यूमन एंड एनिमल्स इंक्लूडेड इन यानी कि वह हैिकोरेट्स प्रिमेटिव जिसके द्वारा डंग ऑफ ह्यूमन एंड से बायोगैस का प्रोडक्शन होता है तो क्या होता है मैथेनोजेंस जिनसे मैथेन गैस बनती है बायोगैस में मेनली जो गैस होती है वो क्या होती है मैथेन गैस होती है तो ए इज दी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन आर के बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया जो आर के बैक्टीरिया जो होते हैं वो यू बैक्टीरिया से किस प्रकार से डिफरेंस होते हैं तो इसके क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर क्या होगा इज दी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है बिच ऑफ दर लाइकली टू बी प्रजेंट इन डीप सी वाटर नीमलिंग में से कौन सा है जो हमें डीप सी वाटर में देखने मिलता है तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी आर की बैक्टीरिया सी इज द करेक्ट आंसर

और क्या कहते हैं तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ब्लू ग्रीन एलगी यानी उसको हम बोलते हैं बी जी ए क्या बोलते हैं बी जी एज दी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ट्वेंटी है द मोस्ट एवेंडेंट प्रक्योरियोर्स हेल्पफुल टू ह्यूमन इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क एंड इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स आर दी वंस कैटेगरी कैटेगराइज आर ये तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया वो क्या होता है हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया होते हैं डी इज दी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पर ट्वेंटी इन यू बैक्टीरिया ए सेलुलर कंपोनेंट बैक्टीरियालोलर कंपोनेट रिजल्ट सेल इज यानी कि जो यू बैक्टीरिया जो होता है उसका जो कौन सा सेलुलर कंपोनेंट है जो यूकोरियोर्स के सामान होता है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रिकोरियस में और यूकोर्ड्स में सेम होती है ए इज दी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है ट्वेंटी टू सम हाइपर हाइपर थर्मोलिक ऑर्गेनिज्म डेट ग्रो इन हाईली एसिडिकबिटेट बिलोंग टू दू ग्रुप्स तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा होगा ऑप्शन नंबर ए यू बैक्टीरिया एंड आर क्या यानी कि आर्गी बैक्टीरिया नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है ट्वेंटी थ्री यहाँ पर क्वेश्चन सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द करेक्टर ऑफ दर्ट एंड ऑर्गेज यहाँ पर हमें चार यहाँ पर स्टेटमेंट गिमी ने और हमें करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर बताना है तो ए यहां पर गिविन है मैथेनोजन आर आर की बैक्टीरिया बिच प्रोड्यूस मैथेन इन मार्सी एरिया तो जो मैथेनोजन आर की बैक्टीरिया होते हैं और मार्सी एरियन जो दलदली क्षेत्र होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं बिल्कुल सही स्टेटमेंट है सेकेंड यहां पर इज नोस्टोक फिलामेंटस ब्लू गिली एलगी बिच फिक्सेस एटमोस्फ्रिक नाइट्रोजन तो यहां पर यह ये क्वेश्चन ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है जो नोस्टोक जो होती है एक फिलामेंटस बीजी होती है जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्सेशन में रोल प्ले करती है थर्ड यहाँ पर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया सिंथेसाइज सेलुलोज फ्रॉम ग्लूकोस तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग है जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोक बैक्टीरिया जो होते हैं वो इनऑर्गन कंपोनेंट प्रोड्यूस करते हैं नहीं कि ऑर्गेनिक तो यहाँ पर यह स्टेटमेंट रॉन्ग है फोर्थ यहाँ पर माइकोप्लाज्मा लैक ए सेल वॉल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन ये भी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है जो माइकोप्लाज्मा होती है उसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है और वो बगैर ऑक्सीजन के यानी विदाउट ऑक्सीजन के भी सर्वाइव करती है तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड और फोर्थ जो है स्टेटमेंट ये ये बिल्कुल सही है तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट सेकंड और फोर्थ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिमें बैक्टेयर लीफ ब्लाइट ऑफ राइस इज कैस्ड बाई ए स्पीसीज जो बैक्टेर लीफ जो होता है राइस में वैक्टर लीफ ब्लाइट जो होता है राइस में वो किस की स्पीसीज से होता है तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा होगा ऑप्शन नंबर सी जेंथोमोनास क्या होगा सी इज़ दी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव यहाँ पर कि मिले थर्मोकोकस मैथेनोकोकस एंड मेथेनो बैक्टीरिया एग्जाम्पल फाइव यानी कि जो थर्मोकोकस है मैथेनोकोकस और मैथेनो बैक्टीरिया में वो किसके एग्जाम्पल है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आर की बैक्टीरिया के एग्जाम्पल है कंटेन प्रोटीन होमोलोगस टू यूक्योरेट कोर स्टोन तो इसी इज दी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ट्वेंटी सिक्स

बैक्टीरिया जो टी लीफ जो होती है वो हो जाती है यानी कि जाती किस तो है किसके कारण बैक्टीरिया के कारण तो दी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पर है ऑल ऑफ सोइल बैक्टीरियम फ्रेंकिया तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा होगा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा बी इज दी करेक्ट आंसर कैन फिक्स नाइट्रोजन इन दी फ्री लिविंग स्टेट तो फ्रेंकिया जो होता है ये फ्री लिविंग स्टेट में नाइट्रोजन को फिक्स नहीं करते हैं तो बी इज दी करेक्ट आंसर दिस इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट फ्रेंकिया नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर थर्टी फॉर रेटिंग ऑफ जूट द फर्मेंटिंग माइक्रोब इज यानी कि जो जूट की रेटिंग के लिए जो हम फर्मेंटिंग के रूप में माइक्रोब का यूज करते हैं वो कौन सा है इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्यूटारिक एसिड बैक्टीरिया किसको यूज करते हैं ब्यूटारिक एसिड बैक्टीरिया को बी इज दी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बेसोफिलिक प्रक्योरियट्स यानी कि जो बेसोफिलिक प्रक्योरियट्स है वो हो क्या होता है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन वेरी डीप मेराइन सेडिमेंट्स ये क्या है जो बेरीडीप मेरा मेराइन जो होते हैं बहुत नीचे गहराई में जो मेराइन होते हैं उसमें ग्रो और मल्टीप्लाई करते हैं तो इज दी राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन यहाँ पर बिच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन के लिए सही है तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा होगा ऑप्शन नंबर ए ट्रांसफर ऑफ सम जीन्स फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया थ्रू वायरस यानी कि कुछ जीन जो होते हैं एक, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर होते हैं किसके द्वारा वायरस के द्वारा तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस दी करेक्ट आंसर आप कमेंट करके बताइए जो बैक्टीरियल ट्रांसट्रक्शन है ये किसने दिया था किसने बताया था बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री यहाँ पर भी नहीं इन बैक्टीरिया यानी जो बैक्टीरिया इसमिट है वो क्या होता है तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ये क्या होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मेटीरियल क्या होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल को क्या बोलते हैं हम बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिट को नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है ऑर्गनिस बिच ऑप्टन एनर्जी बाई दिड्यूस इन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कार्ड यानी कि वह है जो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑक्सीडेशन से एनर्जी प्राप्त करते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा की संदर्भ में जो करेक्ट है, है वो बताना है तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी ओल्डेस्ट लिविंग बींग क्या होगा डी इज दी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स डिफरेंस इन ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज ड्यू टू यानी कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं और ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं वो किस पर बेस्ड होते हैं कि और डिफरेंस हो तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सेल सेलवाल ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उनकी सेल वाल आपस में क्या होती है डिफरेंस होती है इज द करेक्ट आंसर ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनादर इन दी ट्रांसडक्शन प्रोसेस इज थ्रू तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए बैक्टेरिया फैक्ट रिलीज फ्रॉम द डोनर बैक्टीरियल स्ट्रेन तो ए इज दी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है द डीएनए ऑफ इक्लाई इज इक्लाई जो इकोलाई e. जो होता है इसके रेचे जो कोलाई जो बैक्टीरिया होता है उसका डी किस प्रकार का होता है तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी डबल स्टैंडर्ड होता है एंड सर्कुलर होता है क्या होता है डबल स्टैंडर्ड एंड सर्कुलर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है The मेन रोल ऑफ बैक्टीरिया इन the कार्बन साइकिल involves, यानी कि जो कार्बन साइकिल होता है उसमें बैक्टीरिया का मेन रोल क्या होता है तो इस क्वेश्चन right का B, जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी डाइजेशन और ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गनिक कंपाउंड्स, जो ऑर्गनिक कंपाउंड्स होता है उसको डाइजेशन यानी कि अवघटन और उसको तोड़ने में हेल्प करता है तो बी इस दी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है ए फ्यू ऑर्गनिस्ट आर नाउन टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई एट टेम्परेचर ऑफ हंड्रेड टू वन हंड्रेड फाइव डिग्री बिलोंग टू यानी कि वह ऑर्गेज पांच डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर क्या है ग्रो करते हैं तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर है थर्मोफिलिक सल्फर बैक्टीरिया तो ए इज दी करेक्ट आंसर नेक्स्ट है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है दी हेरिडेटरी मेटेरियल प्रेजेंट इन दी बैक्टीरियम इकोलाई जो बैक्टेरियम इकोलाई उसमें जो है जो मेटेरियल है वो कौन सा है तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी डबल स्टैंडर्ड डी एन ए बी इज दी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है एजेटोबैक्टर बैक्टर एंड बेचिलस पोलिमिक्सर आर दी एग्जाम्पल ऑफ तो ये किसके एग्जाम्पल है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नॉन सिंबायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर डी इज दी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है वाट आर दस ऑर्गन प्रोवाइडेड इन सम बैक्टीरिया तो इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए सेक्स पीली क्या होगा इज दी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 45 व्हिच टाइप ऑफ डीएनए इज फाउंड इन बैक्टीरिया इनकी किस प्रकार का डीएनए हमें बैक्टीरिया में देखने मिलता है तो इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए सर्कुलर फ्री डीएनए इज दी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है 46 ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गन कंपाउंड्स कैन बी डी कम्पोज बाई यानी कि जो ऑर्गन कंपाउंड है बहुत ज़्यादा संख्या में उसको किसके द्वारा कंपोस्ट किया जाएगा यानी कि अवघटित किया जा सकता है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा कीमोलिथोट्रॉप बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है फोर्टी सेवन मेनी ब्लू ग्रीन एलगी ऑकर इन थर्मल स्प्रिंग हॉट वाटर स्प्रिंग में दी टेम्परेचर टॉलरेंस ऑफ दिस एलगी हैव बीन एट्रीब्यूटेड

तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरिया नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया इज बाय बाई जो ट्रांसडक्शन जो होता है बैक्टीरिया में वो किसके द्वारा होता है तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी फैग वैक्टर क्या होगा बी इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है जीनोफोर बैक्टेरियल जीनोम और न्यूक्लेड इज मेड मेड ऑफ यानी कि जो बैक्टेरियल जीनोम होता है होता है जिसको हम न्यूक्ट भी बोलते हैं या जीनोफोर भी बोलते हैं वो किसके द्वारा बना होता है तो हम सभी को पता है जो बैक्टेरियल जीनोम जो जी होता है वो क्या होता है ए सिंगल डबल स्टैंडर्ड डी एन ए होता है तो इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर होगा वो होगा ए सिंगल डबल स्टैंडर्ड डी एन ए देखिए ऑप्शन में इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए सिंगल डबल स्टैंडर्ड डी एन ए सी इज दी करेक्ट आंसर